सियासत में बदजुबानी के लिए वैसे तो कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब होती है तो बड़े नेताओं को भी पद से हटा दिया जाता है, जैसे बीएसपी वाले जयप्रकाश सिंह के साथ हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ बयान देने वाले बीएसपी नेता जयप्रकाश सिंह को मायावती ने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। जयप्रकाश सिंह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर थे। इससे पहले सोमवार को लखनऊ में बीएसपी की बैठक में जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वो अपने पिता पर जाते तो कुछ उम्मीद भी थी, वो तो अपनी मां पर गए हैं और उनकी मां विदेशी हैं। जयप्रकाश सिंह यहीं नहीं रुके, भविष्यवाणी भी कर दी कि राहुल हिंदुस्तान के सियासत में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मायावती के इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखने वाले आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों के तहत गठबंधन के पहले का फैसला बता रहे हैं। वैसे क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा।